रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एससीओ में मोदी का संबोधन, पीएम बोले भारत में 70,000 स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, हम अनुभव साझा करने को तैयार। लखनऊ में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे डिप्टी सीएम ऋषिकेश पाठक, सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। लखनऊ में वित्त मंत्रालय की समिति के सदस्य बने डॉक्टर राधा मोहन, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने नई जिम्मेदारी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में होंगे शामिल, पंजाब में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की याचिका की खारिज, कर्नाटक में हिजाब के विवाद से उठा था मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश भर में बने नए आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया और इसके अलावा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया और 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह संत गोरखपुर का दौरा करेंगे, वहीं कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरे में संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन मिलेगा। महानगर अध्यक्ष ने महानगर के सभी 10 मंडलों के पार्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनके स्वागत की जिम्मेदारियां सौंपेंगे, जिसके बाद विकास कॉलोनी तिराहा और रानीगंज तिराहा समेत कई स्थानों का जायजा लेंगे। श्रावस्ती में आने वाले त्योहारों चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा और कई त्योहारों को लेकर डीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की। त्योहार मनाए जाने के लिए केंद्रीय शांति समिति की बैठक में डीएम की अध्यक्षता में एसपी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। डीएम ने जनपद वासियों से कोई भी व्यक्ति अमन चयन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते पाया गया तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए, जिससे वहां भी कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। अयोध्या को राममय करने की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं नेशनल हाईवे में इस काम में जुड़ गया है। बता दें कि शहादतगंज से नया घाट तक लगभग 9 किलोमीटर में भगवान श्री राम और ऋषि मुनियों की 12 मूर्तियां लगवाई जा रही हैं, जिसमें से 4 मूर्तियां लग चुकी हैं, वहीं शेष जगहों पर मूर्तियों को लगने का काम जारी है। भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर लंका कांड तक भगवान श्री राम की मूर्ति लग गई है। इसके साथ ही रामायण काल से जुड़े ऋषि मुनियों की भी मूर्ति लगाई जा रही है। अभी लाइट लगने वाली है पूरे बाईपास पर और मूर्तियां 12 लग रही है, फव्वारे लगने हैं। एक सुंदर बाईपास बने जिससे लोग जब जाए अयोध्या तो स्वाभाविक रूप से उनका मन प्रफुल्लित हो और प्रभु श्री राम के दर्शन प्रफुल्लित मन लेकर के उनके दर्शन में उनके शरण में जाएं, इसलिए इस प्रकार का एक सुंदर वातावरण बनाने का प्रयास इस बाईपास के माध्यम से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमेशा से धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का घर रहा है और ये वास्तव में कई स्तरों पर परिलक्षित होता है। चुनाव स्थगित होने के बाद हो रही फजीहत यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है। आपको बता दें कि एमयू शिक्षक संघ के चुनाव कोई अपवाद नहीं है और 3 गैर मुस्लिम संकाय सदस्य प्रोएनसी साहा, प्रोपीसी बनर्जी और पोवियस रेखी अमूटा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रो एमबी माथू ने एमयूटीयू के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया और प्रोफेसर केपी सिंह सहित गैर मुस्लिम शिक्षाविदों को एमयूटी का कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया।
देखिए, अलीगढ़ का जो सेकुलर निज़ाम है, तभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया की उपाधि से सुशोभित किया गया है, और यहाँ पर हर धर्म, हर समुदाय, हर वेश, हर भूषा, हर भाषा, हर रीजन के स्टूडेंट्स, टीचर्स मिलके एकेडमिक ग्रोथ करते हैं, और साथ में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको पूरी तरह से उसमें भागीदारी रहती है, और मेरिट के हिसाब से इलेक्टोरल जो मैंडेट होता है उसके तहत चीज़ें तय होती हैं। चंदौली के फूटिया गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बस और स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर फरार हो गई। घटना में मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बस और स्कॉर्पियो में बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगे ट्रक थी, वो जो स्कॉर्पियो थी वो ओवरटेक कर रही थी। सोचे कि मैं आगे निकल जाऊंगा, जगह नहीं मिला कि मेरी गाड़ी में रोक के से उड़ के आके यहाँ पे आ गई। कितने लोग घायल हुए हैं? सात लोग, आठ लोग व्यापार में, चौना में। कैसे घायल लोग यहाँ से गए हैं? यहाँ से कुछ अपने साधन से भिजवाए हैं। हम लोग आ रहे थे, सही साइड में हम लोग थे, स्कॉर्पियो वाला सामने से मार दिया। तो कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम सभी मरीज 10-12 लोग जितने थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगा है। किसी को ज़्यादा लगा है, किसी को कम लगा है, लेकिन चोट सबको लगा है। किस वजह से हादसा हुआ है? सामने से जो है, ये सामने वाला स्कॉर्पियो जो है, वही स्कॉर्पियो वाला ही टोटल गलती है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पुलिस अधिकारी बाल बचे। नेशनल हाईवे पर अधिकारियों की कार में अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही अधिकारी तुरंत कार से बाहर निकल गए, लेकिन आग लगने से कार पूरी तरह जल गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि वह थाने से पुलिस लाइन जा रहे थे। पुलिस लाइन फरीदाबाद ड्यूटी पे जा रहे थे, आदर्श नगर थाने से, जो एकदम सर्किट आगे से फॉल्ट हो गया गाड़ी के अंदर, उससे अचानक आग लग गई। इतनी भयंकर आग लगी कि जो हम बता भी नहीं। सीएनजी गैस की वजह से लगी है, कोई पार्किंग है, क्या है? पार्किंग की वजह से लगी जी, इसमें पार्किंग हुई है आगे की तरफ। कौन कौन लोग थे जी इसमें? एक तो मैं, एसआई, एक सब इंस्पेक्टर ब्रज भूषण था जी मेरे साथ, हम दोनों मीटिंग जा रहे थे। बिल्कुल हम सेफ है जी। पता चल गया था आपको आग लगने का? हाँ, आग लगने का पता चल गया था आगे बोनट से। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में लगातार लोगों को सरतन से जुदा करने की धमकियां मिल रही हैं, जहां आरएसएस के पत्रकार को मैसेज कर सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि धमकियां उर्दू में दी जा रही हैं। वहीं घटना की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। निशांत आजाद जी की तहरीर, इंद्रापुरम पे निशांत आजाद जी की तहरीर पे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, उस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, तथा साइबर सेल और एसपी सिटी सेकंड साहब की टीम और थाना इंद्रापुरम की टीम के द्वारा घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाए। कानपुर के पांडू नगर में पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में 22 लाख रुपए की नोट पानी में भीग कर सड़ गया। ये नोट लोहे के बॉक्स में चेस्ट की फर्श पर रखे थे। 3 महीने पहले नोट सड़ने का ये मामला बैंक अफसर दबाए रहे, लेकिन मामला खुलने के बाद बैंक प्रबंधन ने चेस्ट में रखी रकम का हवाला देकर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं बैंक अफसर इस पर बोलने से बच रहे हैं, और 2 दिन पहले चेस्ट रूम का चार्ज संभालने वाले इंचार्ज ने बताया कि नोट सड़ने की घटना के बाद 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। चेस्ट रूम में बरसात का पानी लीक होने की वजह से घटना हुई है। कैसे मालूम पड़ा भाई, बंद बक्से, लोगों लॉक बक्से कैसे मालूम पड़ा? नहीं नहीं ठीक है, सही बात। अच्छा, कितने बक्से रखे थे? होंगे 3-4-5। तो एक ही बक्से में गया सड़क? नहीं, कई बक्से में, कई बक्सों में नीचे चपक गए नो, वो उखाड़े जा रहे हैं, ठीक किए जा रहे हैं, बहुत कम रिकवरी अब बची है। 2000 के थे, 500 के थे, 10-10 के थे, 100 के थे, 50 के थे, बड़े नोट, बड़े नोट रोक नहीं पाते थे। ये बक्से चला कितनी टोटल करेंसी नहीं भी क्लियर हो, कितने होती जा रही है, बराबर रिकवरी हो रही है। वेंडर्स आए हुए हैं, नोट ठीक कर रहे हैं। इसमें आरबीआई का इंस्पेक्शन हुआ था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही नए करेंसी चेस्ट के हिसाब से चार्ज लिया है, पुराने वालों को बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ, कुछ कमियाँ पाई गई थी।
और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपनी जाँच की थी, उसमें कुछ नोटों में गड़बड़ियाँ पाई गई। एक्चुअली वो शॉर्टेज नहीं थी, कुछ नोट पानी की वजह से ख़राब हो गए थे, जिसको कि उन्होंने नील जीरो वैल्यू। लखनऊ के मोहन लालगंज में बारिश की वजह से नगर पंचायत और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। थोड़ी सी बरसात होने पर पानी भर जाता है, जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में सड़कों पर जगह जगह जलभराव है। आपको बता दें कि नगर के अंदर नालों और नालियों का पानी उफान पर सड़क पर आ गया, जिसके चलते नगर पंचायत के आसपास पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं नगर पंचायत की सड़कें और तहसील थाना मंदिर सब तालाब में तब्दील हो गए हैं। महाराजगंज में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर हाल में रिलीज हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद विवाद शुरू हो गया। इसमें अजय चित्रगुप्त के रोल में दिख रहे हैं। फिल्म के कलाकारों के साथ साथ निर्देशक के कुमार के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। वहीं जिले के अधिवक्ता ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद अधिवक्ता का आरोप है कि भगवान चित्रगुप्त के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी अजय देवगन ने की है, जिसके बाद उन्होंने केस दर्ज कराया है। जो बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी है थैंक गॉड, इसके जो डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार हैं, इन्होंने अपने फिल्म में जो एक्टर हैं अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्ट की है। देखिए, फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है मुझे। जब मैंने इस फिल्म का प्रोमो सोशल मीडिया पे देखा, सुना और पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ बहुत ही आपत्तिजनक लगी कि हिंदुओं के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के खिलाफ इस फिल्म में अजय देवगन के द्वारा बहुत ही भौंडापन और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां हरगांव थाना क्षेत्र के हरिरामपुर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर ग्रामीणों ने MDM के तहत बच्चों को दिया जाने वाला अनाज बाजार में बेचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस बारे में SDM से पूछताछ की गई तो MDM के DC ने कहा कि शिकायत मिली है, दोषियों के खिलाफ जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्कूल से गल्ला बिक रहा है, वो मतलब लेबर जो आते हैं यहाँ केबल डालने कैमरे वाली, वो लेकर गए बोरियाँ गेहूँ की, तो उसमें तीन बोरी ले गए थे, तो एक बोरी साइकिल पे थी, दो बोरी मोटरसाइकिल पर लेकर गए थे, तो एक बोरी तो साइकिल से घर को लेकर चले गए, दो बोरियाँ बाजार की तरफ ले गए थे बेचने के लिए। स्कूल के बारे में, हम स्कूल के बारे में देखा, अपने बंगला में तख्त पर बैठे थे, एक आदमी ये दो पहिया वाली साइकिल पर एक बोरी लाद ले गया और मोटरसाइकिल पर दो बोरी ले गया। मेरे हम जौन देखा तो हम बताया, हम बेचने को चाहे जिसके हाथ बेचने हो, मास्टर बेचने हैं और हेड तो सुंदर लाल हैं, अब उनके वह बात से उनके अलावा और कौन मास्टर दे दें। सुंदर हमने देखा, बोरी लेकर दो लड़के गाड़ी लेकर गए थे, एक साइकिल से गया और एक दो पहिया से, तिपर दो पहिया ले पर दो बोरी लाद कर निकला, फिर एक साइकिल पर बोरी धर कर ले गया। अमेठी में पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश के चलते कई शहरों में मकान और दीवार के गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अभी तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। रुककर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां पर एक तरफ गांव में जगह जगह पर जलभराव है और मवेशियों के चारे के लिए समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की हालत पर बरसात में बस से बदतर हो गई। इस प्राथमिक विद्यालय में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ा, नीचे पानी और ऊपर से हाईटेंशन लाइन तार से गुजर रही है, लोगों को कई तरह का खतरा बना हुआ है। बरसात जब 4-5 दिन लगातार हो जाती है, पानी रुकने का नाम नहीं लेता, उसी टाइम ये जल भराव हो जाता है। और ये बगल से तालाब भी लगा हुआ है जिसका पानी इसके विद्यालय के अंदर आ जाता है और इसमें काफ़ी जीवाणु रहते हैं जो कभी किसी बच्चे को हम लोगों को क्षति पहुँचा सकते हैं। ऐसे में हाई टेंशन लाइन भी ऊपर से दिख रही है, इसका जगह रहती है जो कि काफ़ी नुकसानदायक है, ये बच्चों को भी और हम लोगों को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आने सकते काफ़ी हो रही लगातार बारिश ने मिट्टी प्रशासन की खोली है पोल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामू के पूरे उदित प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पर आप सीधी तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जल भराव की समस्या है। लगभग पूरा स्कूल यहाँ पर जगमग्न हुआ है, ऐसे में बच्चों को आने जाने की काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं। यहाँ पर अगर पानी पीने की बात किया जाए तो बच्चे आप सीधी तौर पर देख सकते हैं कि वो बच्चे उधर उस तरफ नल
लगा हुआ जहाँ से पानी पीने के लिए गई थी, और ये जो बच्चियाँ हैं ये पानी पी करके यहाँ पर आ रही हैं। अगर रसोई की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रसोइयाँ को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पानी की समस्या एक तरफ है या पानी की समस्या एक तरफ है। अगर बात किया जाए हाई टेंशन लाइन की, तो यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन भी ऊपर से विद्यालय के जा रही है। ऐसे में बच्चों को पानी और हाई टेंशन की लाइन जो है लगातार बच्चों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अब देखना है इस खबर को चलाने के बाद प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। अमेठी से प्राइम टीवी के लिए अरविंद यादव। देवरिया में लगातार 48 घंटे से बारिश होने का कारण हर जगह जल भराव है। आपको बता दें कि बिहार से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा बनी यह सड़क 10 सालों से जर्जर हालत में पड़ी हुई है। इसी सड़क से विधायक, सांसद और मंत्री प्रचार प्रसार भी करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी नजरों से यह जर्जर सड़क दूर रहती है। जनता इस सड़क को लेकर कई बार सांसद, विधायक, मंत्री से बनवाने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। वहीं लगातार बारिश से गोरिया से कंचनपुर जाने वाली सड़क गोराया घाट पुल के पास सड़क गड्ढे में रातों रात तब्दील हो गई, लेकिन यहां भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस सड़क को मरम्मत कराने नहीं पहुंचा। पुल से जो मिश्रौली जाता है ब्रह्म स्थान के बीच में है, और देखिए टूट गया, मात्र 4 फुट बचा हुआ, गाड़ी भी निकलने में दिक्कत हो रहा है। जो आज हमको लगता है दिन भर बारिश होगा तो पूरा टूट जाएगा, बचेगा बहुत बुरा हाल है इस रोड का। आगे तक वहाँ पूरा टूट गया, पूरा किसी तरह इसको रखा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम? हम मिश्रौली के हैं, जितेंद्र कुशवाहा मेरा नाम है। गोंडा जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद मामलों में परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, सफाईयों और बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने गोंडा अयोध्या हाईवे पर शव रख कर जाम किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। वहीं आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और अन्य कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर डीएम, एसपी पहुंच कर साथ ही परिजनों को समझा कर जाम को खत्म कराया। थाना नवाबगंज में एक व्यक्ति की थाने पर डेथ हुई थी, जिसको लेकर 302 का मुकदमा जो पिता है मृतक के उनकी तहरीर पर लिखा गया था। उसमें जो हमारा प्रथम दृष्टया हम लोगों ने चेक किया और जो पंचायतनामा हुआ उसमें कोई चोट नहीं थी बॉडी के। पोस्टमार्टम भी करवाया गया है पैनल, डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाई गई है सब चीज़ों की, और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे लापरवाही के या और किसान धारा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। लखीमपुर के गोला कोरगढ़नाथ विधानसभा सीट के विधायक का 6 सितंबर को निधन हो गया। विधायक अरविंद गिरी वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया था। वहीं गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ने स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय विधायक के परिजनों को आश्वासन दिया। हम लोगों के बीच नहीं रहे, राज्य में पीलीभीत की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया, और उनके इस परिवार को दुख की घड़ी में हम लोग सब परिवार के साथ हैं। वो चलिए जरूर गए, लेकिन उनके द्वारा जो उनके आदर्श हैं उन पे लगातार हम लोग भी, और मैं चाहूँगा कि गोला के लोग भी, जो उनके काम है वो हमेशा याद रहेंगे और उनके बताए गए रास्तों पे चलते रहेंगे। लखनऊ में कैंट क्षेत्र के दिलकुशा गार्डन की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं मलबे के नीचे दबने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल है, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जिसके बाद NDRF टीम को भी सूचना दी गई। इस पूरी घटना पर CM योगी ने दुख जताया है। आपको बता दें कि CM योगी ने 4 लाख रुपए की राशि देने को भी निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों को मुफ्त इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला, सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। लाने के बाद पता चला कि उसमें से 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है, आगे की जो विधिक कार्रवाई वो चल रही है, उनके परिवारजनों तक सूचना पहुँच गई है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। राजधानी में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे सिविल हॉस्पिटल में जो घायल एडमिट हुए थे, वहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए हुए हैं, ये यहाँ पे मरीजों से वो अब जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह क्या हुआ था, और साथ ही वो लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं, और साथ ही वो अब यहाँ पे मरीजों की जानकारी भी ले रहे हैं, और साथ में जो CMS है उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें इलाज में और क्या हो सकता है। और साथ ही हम आपको भी दिखला दे कि विजय पाठक यहाँ पे मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। सर अभी फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी परिजनों से उनसे मिल रहे हैं, उनके फिलहाल जो विजय पाठक उनके परिजन जो गोलू है उसका उसके परिजन आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं हम। आप देखिए सीधी तस्वीरें हैं ये जो विजय पाठक मिल रहे हैं उनसे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस